अनुपमा, मेरे ख्याल से आपको भी है मास्क की जरूरत। एक की नहीं, दो की नहीं, बल्कि तीन तीन मास्क की, क्योंकि आपकी लाइफ में भी ना आए दिन आती रहती हैं नई नई मुसीबत। वैसे हमें तो पूरा कॉन्फिडेंस है आप पर कि आप तो अपने लाइफ के हर चैलेंज का मुकाबला करेंगी डटकर। तो चलिए देखते हैं अनुपमा की लाइफ का अपडेट। बिखर गए शाह परिवार के रिश्ते, मिस्टर शाह को लेकर खींचातानी, बा और अनुपमा की परेशानी। मैं मेरे पति को जैसे चाहूँ वैसे ले जाऊँ, तुझे क्या, तू बीच में मत बोल। बोलूंगी, अगर आपके पति है तो मेरे भी पिता है, अगर इनको तकलीफ होगी तो एक बार नहीं हजार बार बोलूंगी। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में लीला की कड़वी बातों ने बाबूजी का दिल तोड़ दिया है और इसीलिए बाबूजी बेहद दुखी हैं। अनुपमा भी अपने बाबूजी को मनाने की पूरी कोशिश में लगी है, उनका ख्याल रख रही है और बाबूजी भी अपने आप को संभालने की कोशिश में लगे हैं। बापूजी, इतना सब ड्रामा होने के बाद अब अनुपमा अपने बाबूजी के चेहरे पर स्माइल लाने की कोशिश में लगी है। जरा देखिए कैसे उन्हें जलेबी और रबड़ी खाने के लिए कह रही है, लेकिन बाबूजी का चेहरा उतरा हुआ है। तभी होती है बाबूजी के साले की एंट्री, जिसके आने से बाबूजी के चेहरे पर थोड़ी तो स्माइल आ ही जाती है। और फिर हुई बा की एंट्री, जिन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो है, लेकिन वो यहाँ माफी मांगने नहीं बल्कि अपने पति को वापस अपने घर ले जाने के लिए आई है। अनुपमा, मैंने कहा मेरे पति का हाथ छोड़, जो हुआ वो हमारे बीच में, मैं बाहर वालों का कोई काम नहीं, चलिए अपने घर जाके बात करते हैं। समझ के बात, मैं मेरे पति को जैसे चाहूं वैसे ले जाऊं, मुझे क्या, तू बीच में मत बोल। एक पल के लिए तो लगा कि बाबूजी वाकई अपने घर वापस चले जाएंगे, लेकिन बाबूजी ने लीला को बाहर कर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और अपने कड़वे बोल से बाज न आने वाली बा ने फिर से अनुपमा के लिए कुछ बोलना चाहा, लेकिन इस बार बाबूजी चुप नहीं रहे। उन्होंने लीला को अपनी नाराजगी जता दी और बा ने अपनी सफाई में कुछ कहने की कोशिश तो की, लेकिन उनकी एक ना चली। माना कि मेरा तरीका गलत था, मेरा ताना गलत था, पर मेरा गुस्सा गलत नहीं था। आपने अग्नि को साक्षी मानकर मेरा हाथ पकड़ के सुख दुख पे साथ निभाने का वचन दिया, और अब मेरा हाथ छोड़ के किसी और का हाथ पकड़ोगे तो मेरा दिमाग नहीं फिरेगा। तू गलती, अरे गलती तो सही करते हैं, मुझे डांटते ताना मारते कुछ भी करते, पर साथ छोड़ देते। साथ छूट गया था, लेकिन सम्मान छीन गया था, छीना गया था, और वो भी तूने छीना था। आज जो मैं टूट कर बिखर गया हूँ वो भी तेरी वजह से। आज तेरा भाई तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, वो भी तेरी वजह से। मिस्टर शाह को अपने घर वापस ले जाने की कोशिश में बार नाकाम रही और उन्हें अनुपमा के घर से आंखों में आंसू लेकर ही जाना पड़ा। अब देखना होगा कि बा को अपनी गलती का एहसास कब होगा।
मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।